हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मखनी। हमने टमाटर को बॉईल किया है, उसमें खड़े मसाले, काजू और मिर्च ऐड करके जब ये बॉईल हो जाए हमें इसे मिक्सी या ब्लेंडर की हेल्प से हमें ग्राइंड कर लेना है अच्छे से, फिर इसको स्ट्रेन कर लेना है। अब हम कढ़ाई में लेंगे ऑयल और बटर ऐड करेंगे, उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, इनको भूनना है अच्छे से। फिर लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट हमने बनाई है वो ऐड करेंगे, उसको भी हम पकाएंगे। इसके पकाने के बाद हमने जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी उसको इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। हमने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंगली हमने पानी ऐड करना है और सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। देगी भी नमक, हल्दी, गरम मसाला, किचन किंग, कसूरी मेथी भुनी हुई, जीरा भुना हुआ, एक चम्मच चीनी भी ऐड करनी है इसमें और इलायची पाउडर भी ऐड करना है। इसको 5 से 10 मिनट तक बॉयल करना है, फिर टमाटो केचप ऐड करनी है और बाद में हमें इसमें मक्खन ऐड करना है, क्योंकि ये पनीर मखनी है इसमें ज़्यादा मक्खन जाएगा। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट डन है, पनीर मखनी, इसमें पनीर ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।